नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज विधानसभा चुनाव 2020 की ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है और चुनाव में बहुत कम समय बचे हुए हैं। और आज हमारे साथ केसरिया विधानसभा क्षेत्र से यहां की जदयू की नेत्री हैं और शालिनी मिश्रा। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, काफी लोग और विधानसभा के लगभग सभी लोग इनको जानते हैं। आज हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। विधानसभा चुनाव 2020 को आप किस रूप में देखते हैं? जगहों पे सीट का अदला बदली हो या पार्टी अपना टिकट किसी का काट के किसी को देना या बहुत सारे जो मतलब कैंडिडेट हैं वो भी पार्टी की अदला बदली बहुत जगहों पे हुई है, तो इसको आप किस रूप में? हमारे विधानसभा में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। मेन जो दो धाराएं हैं उन्हीं के बीच लड़ाई होगी फाइनली, और हर हालत में एनडीए और जदयू ये सीट जीतेगी। मतलब पूरा विश्वास है आपको इस? बिल्कुल। अभी चूंकि अभी हम लोग खजुरिया से जो रेरा जाने वाली जो पथ है, अभी हम लोग उस मुख्य पथ पे हैं, तो यहाँ पे भीड़ ना लगे इसलिए हम लोग चलते चलते बात करेंगे। आइए चलते चलते थोड़ा सा एक वो इसमें जो कि विधानसभा जो जगह है इसपे लगभग हर जाति के लोग, हर समाज के लोग हैं यहाँ पे। क्या लगता है आपको, किस किस जगह पे आपकी बहुत अच्छी मतलब भूमिका रही है? अपने व्यवहार की वजह से भी इस बार 2020 विधानसभा चुनाव में केसरिया विधानसभा में जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ कर लोग वोट करेंगे और एनडीए को वोट करेंगे। एनडीए के साथ साथ एक और चूंकि बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है चिराग पासवान जी का, एनडीए गठबंधन और चिराग पासवान जी का जो रिश्ता है इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो सब हमारे ये बातें एनडीए के जितने घटक है, बीजेपी, डीआईटी, हम और जदयू, सब एकजुट है और अडिग है, अचल है। वो लोग सब साथ में और साथ मिलकर चुनाव लड़के जीतेंगे। चिराग पासवान तो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मोदी जी हमारे राम है और हम उनके हनुमान है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मतलब लोजपा के साथ फिर से गठबंधन करने की मतलब स्थिति में है क्या? ऐसा कुछ आप तो बयान आपने अमित शाह जी का भी सुना होगा और बीजेपी के नेताओं का सुना होगा आपने। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में चाहे किसी भी रूप में हो, अगर इस बार भारतीय जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आपको टिकट भी मिला है यहाँ पे स्थानीय विधानसभा क्षेत्र से, और दूसरी चीज की अगर आप जीत के आ रही हैं तो आपके इस चुनाव के मुख्य एजेंडे कौन कौन से हैं, किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ रहे? पहुंच रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है। तो मेरा मुद्दा है कि किसानों को जितना लाभ मिल सकता है वो, और इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें तो है ही है जो काफ़ी अच्छी हुई है, फिर भी कुछ कमियां धीरे धीरे हो जाती हैं, उसको करवाना, और हमारे केसरिया स्तूप को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना, और केसरिया को एक क्रिकेट स्टेडियम भी। आपके विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी, अगर हम समस्याओं पे बात करें तो मुख्य समस्या क्या है? विधानसभा में एक समस्या मुझे बड़ी दिखती है कि किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो सरकार और जो पार्टी जो राजनीतिक दल शासन है अभी उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसकी वजह से आम जनता को दिक्कत होती है। जब सरकार के लोग आएंगे, जब सरकार है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है काम करवाना प्रशासन के साथ, जबकि दूसरे लोग नहीं करवा पा रहे तो विधानसभा की। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपके प्रथम प्राथमिकता क्या हो? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है युवाओं को स्वरोजगार के लिए करियर काउंसलिंग कराना और उनके स्किल सेट के हिसाब से उनको बताना कि आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए उनके साथ। इसके साथ साथ कृषि की भी बहुत सारी समस्याएं हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, जैसे अगर हम देखें बात करें पिछले बार बाढ़ की अगर बात करें तो बाढ़ में आपका विधानसभा खास करके ये जो एरिया है संग्रामपुर, भवानीपुर और ये डुमरिया वाला जो एरिया है ये काफी प्रभावित हुआ है, इस तरह के लोगों के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि मैं आती हूँ तो
सरकार प्रशासन के साथ मिलकर जो भी सुविधा सरकार देती है वो तो करवाऊंगी। इसके अलावा जो भी आवाज विधानसभा से उठेगी अपने विधानसभा से उसको विधानसभा के सदन में उठाकर उसको पारित कराकर लोगों के बीच में उसका लाभ दूंगी। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना जो कि पूरे बिहार में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है, लेकिन कई जगहों पे इस योजनाओं का लोग मजाक भी बना रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं कि ये इसमें नल जल योजना जो है बहुत हद तक सफल योजना नहीं है।